Hello friends, yesterday we learnt the regular verb and irregular verb and its past participle form, and in this lecture we are going to study types of nouns. Types of nouns. So students, let's read. We have seen earlier that a noun is a word that is used to name a person, an animal, a place, a thing, an idea, etc. देखो, nouns means क्या? किसी भी व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु का, कल्पना, भावना, किसी का भी नाम हो तो उसको हम नाउन बोलते हैं. द नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल प्लेसेस, एनिमल्स प्लेसेस एट्सेट्रा आर नोन एज प्रॉपर नाउन एंड द रेस्ट आर कॉमन नाउन्स. ऐसा कोई किसी का पर्टिकुलर नाउन हो, पर्सन्स का हो, जैसे कि रमेश, सुरेश, महेश, राम, सीता, किसी एनिमल्स का भी नाम आप रखते हो तो वो भी नाम, या प्लेसेस का जैसे कि मुंबई, गोवा, ऐसे भी जो नाउन्स होते हैं उसको हम प्रॉपर, और जो शेष रह जाते हैं उसको कॉमन नाउन्स बोलते हैं. तो देखो, द गिवस ट्री डायग्राम ऑफ द नाउन्स, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स, एंड इन द कॉमन नाउन्स गर्ल, boy, city, mountain, table, river, book, building, ruler, table. तो ये सारे common noun हैं, क्योंकि हम इसके definitely कुछ नहीं बता सकते. girl, अभी किसकी girl है? पड़ोसी की है, अपनी है, boy है ना, महेश है या राम है या लक्ष्मण है, कौन है? सिटी मुंबई है, पुणे है, बेंगलोर है, ये तो नहीं बता सकते. तो ये सारे काम कॉमन नाउन्स है. माउंटेन है तो हिमालय है, सह्याद्री है, सिंध है, कौन सा है माउंटेन, तो ये नहीं बता सकते, तो उसको कॉमन नाउन्स बोलते हैं. और प्रॉपर नाउन्स में अकुल का, जो कि हम उसको पर्सनली जानते हैं, तो अकुल का, मलाशा, संगीता, आनंद, लंदन, मुंबई, सह्याद्री, नर्मदा, तो ये जो नाम है जिससे कि हमको उसके लोकेशन का भी पता चलता है तो हम उसको प्रॉपर नाउन्स बोलते हैं, है ना. किसी का नाम लिया तो उसका चेहरा, उसका शेप, सब कुछ हमारे आंखों के सामने हाजिर हो जाता है, तो हम उसको प्रॉपर नाउन्स बोलते हैं. तो write at least 5 common nouns and 5 proper nouns each. Note that proper nouns are always begin with the capital letter. Okay, this is the rule of proper noun. Proper nouns always begin with the capital letter. Example, Pradeep, P capital, P-R-A-D-I-P. Geeta, G capital, G-I-T-A, Geeta. Sita, S-I-T-A, S capital. Proper nouns always begin with the capital letter. But in the common noun, there is no need to write in the first letter is capital letter. When you choose a name for your pet dog or cat, you are giving a proper noun to a common noun. समझो dog है, अब उसको आपने नाम दिया Tommy, तो Tommy का T capital आएगा, लेकिन डॉग का डी नहीं आएगा. ओके, तो डॉग का नाम क्या रखा है? टॉमी. तो टॉमी प्रॉपर नाउन हो गया और डॉग कॉमन नाउन हो गया. ओके, चूज एनी 5 सुटेबल कॉमन नाउन्स एंड इन्वेंट इंटरेस्टिंग नेम्स फॉर देम. एग्जांपल, रिवर, रिवर्स पीडी, मैगजीन फॉर चिल्ड्रन, मैत्रा, मित्र, अ बिल्डिंग, एस टावर्स,
सिद्धिविनायक टॉवर्स, रिवर बोले तो नर्मदा, गंगा, गोदावरी, मैगजीन फॉर चिल्ड्रन बोले तो मित्र, है ना, वह और एक होता है ना चंपक, मैगजीन फॉर चिल्ड्रन चंपक, तो ऐसे आप नाम भी लिख सकते हो। नीचे गिव एज मेनी एज एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग एज पॉसिबल विद इन टू मिनट्स। टू मिनट के लिए आपको ये ओरल वर्क दिया गया है। एनिमल्स टू मिनट में कितने लिख सकते हो? डॉग, कैट, काऊ, ऑक्स, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, टाइगर, एलिफेंट, फॉक्स, डियर, कंगारू, दो मिनट में जितने भी लिख सकते हो उतने आप लिख सकते हो। तो आपको अपने नोटबुक पे ये सारा लिख के लेना है। नाउंस लिखने हैं, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन लिखने हैं, 5 कॉमन नाउन लिखने हैं आगे क्वेश्चन में के, और 5 प्रॉपर नाउन्स भी लिखने हैं। बर्ड्स तो उसके भी आपको 2 मिनट में जितने हो सके वो भी लिखने हैं। बर्ड्स जैसे कि पिकॉक, हैन, कॉक, ईगल, स्पैरो, क्रो, क्रेन, काइट, है ना, पेंगुइन, तो आप लिख सकते हो। वेजिटेबल्स लिख सकते हो, पोटैटो, टोमेटो, ओके, गार्लिक, मेथी, कैप्सिकम, तो ऐसे लिख सकते हो। बॉडी पार्ट्स लिख सकते हो, हैंड, लेग, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, पाम, थाई, वेस्ट, एंकल, फुट, टोज, नेल्स, ये सारे बॉडी पार्ट्स लिख सकते हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हो, तबला, फ्लूट, ड्रम, ओके, तो ये सब आपको 2 मिनट में लिखना है अपने नोटबुक में। और ऊपर दिए गए ये कॉमन नाउन, ये फिर प्रॉपर नाउन, ये भी लिख के लेना है। फिर ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाला लिखना है, राइट एट लीस्ट 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन्स, एंड रिमाइंड इट प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। तो ये क्वेश्चन लिखने हैं आपको, ओके। तो टुडे वी स्टॉप्ड हियर, थैंक यू।